माँ बनना किसी भी औरत की जिंदगी में एक बहुत ही मीठा सा एहसास, एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग लेकर आता है और ये कह सकते हैं कि उसकी एक नई लाइफ, नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो भी इसी पर ही है, मदरहुड, यानी कि डिलीवरी के बाद एक लड़की को या एक लेडी को क्या अपनी डाइट में लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए जो उसके लिए भी फायदे वाला और उसके बेबी के लिए भी फायदे वाला हो। तो आज मैं आपके साथ पैम्स किचन में प्रोमिला वर्मा लेकर आई हूँ इसी टॉपिक पे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन और उसके साथ साथ कुछ नई नई मॉडर्न और कुछ ट्रेडिशनली कुक्ड रेसिपीज। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरी इस नई सीरीज में, न्यू मॉम एंड हर डाइट। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक सुना भी होगा आपने कि बर्थ के बाद जब कोई लेडी किसी बेबी को बर्थ देती है तो उसके बाद उसकी एक नई लाइफ, नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो वो क्यों स्टार्ट होती है? वो इसीलिए क्योंकि उसमें डिलीवरी के बाद बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस आते हैं। मेंटल चेंजेस यानी कि डिलीवरी एक लेडी को अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने न्यू बोर्न बेबी की भी हेल्थ देखनी होती है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपनी डाइट अच्छे से लेंगे, उसमें कितना न्यूट्रिशन डालना है उसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब बहुत ज़रूरी बातें होती हैं और एक महीने तक जो है आपको जंक फूड या मार्केट का कोई भी फूड आपको नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि मार्केट के फूड इतना हाइजेनिकली नहीं बना हुआ होता तो उससे क्या होगा कि आपके बेबी को कुछ भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कुछ भी आपको भी अगर सपोज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी तो आप बेबी को फीड करवा रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपके बेबी को भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए आपको लगभग 40 डेज तक जो है बाहर का खाना या कुछ भी ऐसा फूड अवॉइड करना चाहिए जो कि गैस्ट्रिक, उसकी जो एक प्रकृति होती है, आप आयुर्वेदिक तरीके से कह सकते हैं कि उसकी गैस्ट्रिक प्रकृति होती है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से या कई बार क्या होता है कि कुछ आपकी जॉब कंपल्शंस होने की वजह से आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है और अगर उस टाइम पर आप बेबी डिलीवर कर रहे हो तो आपके पास कोई बड़ा ऐसा नहीं अटेंडेंट होता जो आपको बता सके कि आपको इस टाइम पर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपकी बेबी के लिए बेटर है। आपकी इस मुश्किल को इजी करने के लिए मैं आने वाले अपने कुछ वीडियोस में इसी टॉपिक पर आपके लिए लेकर आई हूँ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और आपकी डाइट के बारे में भी आपको थोड़े थोड़े टिप्स देती रहूँगी जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद आपके लिए ये मैंने गैदर किया है, क्योंकि ये मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो मुझे लगा कि बच्चों को आज के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत है और न्यू मॉम्स को क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, उसके लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इन सब पॉइंट्स को लेकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये अपनी नई सीरीज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने जिनको इस टाइम पे इस चीज़ की ज़रूरत है आप उनको फॉरवर्ड करेंगे, आप उनके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए हमारा जो पहला रूल है बहुत ही सिंपल है और वो है कि हमें किस तरह का पानी न्यू मॉम को देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं हम ये वाटर, जो एक कहने को बहुत सिंपल रेसिपी है बट स्टिल एक बहुत ज़रूरी है आपको पानी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है और उसको कैसे पीना चाहिए। तो ये पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील के किसी भी बर्तन में 4 से 5 लीटर पानी लिया है। तो आप भी एक दिन के लिए अपनी ये रेशो बनाकर रखें कि 3 to 4 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना ही करना है। और अब इसमें मैं डालूँगी ये एक बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, ये कुछ इस तरह की होती है। तो इसको हम खोल करके इसमें ऐसे करके डाल देंगे और इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 तुलसी के पत्ते, जिसको
होली बेजिल लीव्स भी कहा जाता है। ये सब घरों में आई गेस एक प्लांट जरूर लगा हुआ होता है। अगर आपके घर में नहीं है तुलसी का पौधा तो कोई बात नहीं, आप इसमें जो है मोटी इलायची डालें। मोटी इलायची के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए ठीक रहती है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, और इसके और भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप डेली इसको कंज्यूम करेंगे तो आपकी और बेबी की जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक रहेंगी। और तुलसी के तो अपने ही अलग फ़ायदे हैं, ये जो इंटरनली जो भी डिलीवरी के टाइम कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अंदर से बेबी को डिलीवर करने के बाद फिज़िकल चेंजेस जो आते हैं, फिज़िकल वूंड्स होते हैं, तो उनको ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। और इसको बॉयल होने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे ताकि ये पानी बिल्कुल एक रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर उसके आगे की प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये पूरा बॉयल यहाँ पर आ चुका है, अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसको लेकर आएंगे रूम टेम्परेचर पे, और फिर उसके बाद हम इसको शिफ्ट करेंगे। जब तक ये पानी रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, जल्दी से जाइए पैम्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब जब ये पानी रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो इसका हम क्या करेंगे, अगर तो विंटर का मौसम है, आपका बेबी डिलीवर विंटर में हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही कंज्यूम कर लो। और जैसे आजकल गर्मी का वेदर है, तब आप क्या करेंगे कि इस तरह का मिट्टी के पॉट मार्केट में मिल जाते हैं बड़े आराम से, तो आप ये पानी जो है इसमें शिफ्ट कर देंगे। अब इस पानी के बेनिफिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कितने बेनिफिट्स हैं, लेकिन जब आप मिट्टी के बर्तन में आप ये पानी को डालते हो तो ये पानी एल्केलाइन हो जाता है, और उससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भी गर्मी है, जो भी एसिडिटी है, तो उसको ये बैलेंस करता है। तो है ना इस पानी को कंज्यूम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स। तो ये पानी आप 40 डेज तक पीते रहिए, गर्मी है कोई बात नहीं, आप फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करेंगे 40 डेज में, लेकिन जब ये पानी आप इस मटके से कंज्यूम करेंगे तो ये वैसे भी ठंडा लगेगा और उसके बेनिफिट्स आपको अलग मिलेंगे। तो आज की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं समाप्त हो रही है। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन, नई रेसिपी, नया सब कुछ उसके साथ मिलेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी, और देखते रहिए पैम्स किचन फॉर सच अमेजिंग कंटेंट एंड रेसिपीज एंड ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।